हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय बाबा बैद्यनाथ, बोल बम। अगर आप भी कर रहे हैं तैयारी सुल्तानगंज जाने की और सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ धाम जाने की कांवड़ यात्रा 2022 में शामिल अगर होने वाले आप हैं, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है। आज की वीडियो उन सभी भक्तों के लिए है, तो दोस्तों आज की वीडियो को प्लीज आखिरी तक देखते रहिएगा। इस सावन का पवित्र महीना, पावन महीना शुरू हो चुका है। हर्ष है, उल्लास है देवघर जाने के लिए, सुल्तानगंज जाने के लिए। दोनों के मंदिर के जो टाइमिंग्स हैं, अगर आप बाबा बैद्यनाथ धाम के मंदिर में पहुंचते हैं और जल अभिषेक करना चाहते हैं, तो मंदिर के जो टाइमिंग्स है उसके बारे में मैं आपको सबसे पहले बता दूं आज के अपनी इस वीडियो में। जी हाँ, मंदिर सुबह 4 बजे से लेके रात के 10 बजे तक पूरे सावन के इस महीने में खुला रहेगा। और सुबह 4 बजे से श्रद्धालु अंदर लाइन में लग कर मंदिर के अंदर जाकर जल अभिषेक कर पाएंगे और रात 10 बजे मंदिर बंद होगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 2 साल से कोरोना वायरस के चलते कांवड़ यात्रा नहीं हो पा रही थी और बहुत सारे लाखों भक्त जो थे जो बाबा बैद्यनाथ धाम की नगरी से हैं नहीं जा पा रहे थे। तो पिछले 2 सालों के बाद इस साल कांवड़ यात्रा हो रही है। इस साल उत्साह और ज़्यादा है क्योंकि लोगों की जो भीड़ है और सालों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि पिछले 2 साल से लाखों जो श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम जाना चाहते थे सावन के महीने में कांवड़ यात्रा में भाग लेने के लिए, वो नहीं जा पा रहे थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इस साल जो भीड़ है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त भीड़ है। अभी तो सावन का प्रथम सप्ताह ही आया है और भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि बाबा बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग को जल अर्पित करने के लिए, जल अभिषेक करने के लिए, अर्घ देने के लिए 12 किलोमीटर तक लंबी लाइन लग रही है। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त भीड़ हो रही है कि 12 किलोमीटर लंबी लाइन इस साल सावन महीने में बाबा बैद्यनाथ धाम की नगरी में लग रही है। तो बहुत ही ज़्यादा हर्ष उल्लास है कांवड़ियों के बीच में, सारे कांवड़ियों के बीच में और सारे भक्तों के बीच महादेव जी के दर्शन करने के लिए। मैं आपको बता दूँ आखिर कैसे लोग 12 किलोमीटर लंबी लाइन में लग रहे हैं और ये लाइन कहाँ से लग रही है। तो दोस्तों जितने भी कांवड़िए बाबा बैद्यनाथ धाम की नगरी में पहुँच रहे हैं, वो सारे कांवड़िए शिव भक्त संस्कार मंडप से मानसरोवर क्यू कॉम्प्लेक्स से होते हुए नेहरू पार्क होते हुए तिवारी चौक, बीएड कॉलेज, नंदन पहाड़ रोड होते हुए कुमैठा स्टेडियम तक लोग लाइन में लग रहे हैं। तो समझ सकते हैं लाइन को कितना गोल 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 करके घुमाया जा रहा है, क्योंकि भीड़ इस साल उम्मीद के मुताबिक ज़्यादा हो सकती है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के चलते 12 किलोमीटर की लंबी लाइन तक लग जा रही है सावन के पहले हफ्ते में ही, पहले सप्ताह में ही। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़बरदस्त भीड़ हो रही है इस साल सावन के इस महीने में। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले, सिर्ग दर्शनम की व्यवस्था जो इस साल लाई गई है, तो उससे रिलेटेड मैं कुछ बातें आपको बता दूं। अगर आप देवघर जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जल अर्पित करना है और इतनी लंबी लाइन में नहीं लगना चाहते हैं, वो जल्द से जल्द जल भगवान शंकर को जल चढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए सिर्ग दर्शनम की व्यवस्था की गई है, जिसमें प्रत्येक दिन तकरीबन 10,000 के आसपास श्रद्धालु जल अभिषेक कर पाएंगे। सिर्ग दर्शनम की व्यवस्था की अगर फैसिलिटी को आप लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे। इसके लिए अलग से काउंटर बनाया गया है, वहां पर आप जाएंगे, एक कार्ड दिया जाएगा स्मार्ट कार्ड, और उसे लेकर आप जाएंगे और उसके बाद जल्द से जल्द आप सिर्ग दर्शनम की इस व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं। आपको पता है सावन के महीने में स्पर्श पूजा बंद रहती है पूरी तरह से आम श्रद्धालुओं के लिए देवघर में और बैद्यनाथ धाम की इस नगरी में। इसके लिए दूर से ही लोगों को जल अभिषेक करने के लिए बहुत सारे पात्र बड़े बड़े लगा दिए गए हैं। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि सिर्ग दर्शनम की जो व्यवस्था इस साल की गई है सरकार के द्वारा, के प्रशासन के द्वारा, इस व्यवस्था के अनुसार आप सिर्ग दर्शनम फैसिलिटी का लाभ ले सकते हैं। 500 रुपये आप देंगे तो आपको सिर्ग दर्शनम का जो काउंटर है वहाँ से अलग अलग रंग के बहुत सारे कार्ड दिए जाएंगे आपको, केसरिया रंग के, पर्पल ब्लू, अलग अलग कलर के। काउंटर के पास जाएंगे, लाइन में लगेंगे, तो इसके द्वारा 20 मिनट के अंदर जल चढ़ा पाएंगे। अगर आप सिर्ग दर्शनम व्यवस्था का लाभ उठाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सिर्ग दर्शनम का जो काउंटर है वो सुबह में 8 बजे खुलता है दोस्तों। तो अगर आप सिर्ग दर्शनम व्यवस्था का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप भी 8 बजे के पहले ही काउंटर पर पहुंच जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है इस साल, क्योंकि सिर्ग दर्शनम में भी हजारों की संख्या में लोग श्रद्धालु लाइन में लगते हैं। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द बैद्यनाथ धाम जी के ज्योतिर्लिंग को जल चढ़ा पाएं, तो इसलिए आप जल्द से जल्द टाइम पर पहुँचें, मेरा काम था आप सभी को बताना। तो 8 बजे का टाइम सिर्ग दर्शनम के काउंटर का खुलने का है। बताना चाहूँगा कि सिर्ग दर्शनम की जो व्यवस्था है वो मंगलवार से लेकर शनिवार तक ही आप सिर्ग दर्शनम व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं 500 रुपये देकर, क्योंकि रविवार के दिन
दिन और सोमवार के दिन ये व्यवस्था पूरी तरह से बंद रहेगी, क्योंकि उस दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है, सोमवारी के चलते भीड़ और ज़्यादा होती है। तो हफ्ते में 5 दिन, तो एक छोटी सी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की, और आपके साथ इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था कि कुछ बातें जो देवघर से रिलेटेड हैं, कुछ अपडेट आ रही हैं, जो बहुत सारे कांवड़िए देवघर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने सोचा अपने कांवड़िए हैं और जितने भी महादेव के भक्त हैं उन सभी के लिए छोटी सी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो और अपडेट जो आ रही थी देवघर से, मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। आज की वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और प्लीज़ दोस्तों, बहुत सारे व्यूवर्स आते हैं, बहुत सारे लोग वीडियो को देखते हैं, बट अगर आप हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों, चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, महादेव की भक्ति में मस्त रहिए। दोस्तों, चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, अपना ख्याल रहें, खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।